जैसा आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार के द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन किया गया है और झारखंड सरकार उस संशोधन को एक्सेप्ट किया है, इस राज्य में वो संशोधन लागू है। सुप्रीम कोर्ट के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार हर राज्य में एक कमेटी बनी है जो ट्रैफिक से रिलेटेड किए गए कार्यों को मॉनिटर कर रही है। इसके पीछे माननीय उच्चतम न्यायालय का उद्देश्य ये है कि एक्सीडेंट से जितनी डेथ हो रही है, आप सबों को पता है कि भारत देश में एक साल में लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों की डेथ हो जाती है ट्रैफिक एक्सीडेंट और 5 लाख से ज़्यादा लोग घायल होते हैं। तो इसी चीज़ को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट इसको मॉनिटर कर रहा है। हमें मानना है कि आज आम लोगों को अभी भी बहुत जागरूकता की कमी है, तो आज ट्रैफिक डीएसपी को और इनके पूरे टीम का रिक्रूट किया गया है और उसमें कुछ बिंदु जो कि पब्लिक के लिए बहुत ज़रूरी है वो आपके माध्यम से हम लोग पब्लिक तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें ड्राइव चलाने के लिए निर्देश दिया गया है। तो किसी को ये गलत फहमी नहीं हो कि ट्रैफिक पुलिस एट्रोसिटीज कर रही है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि जो नए एक्ट बने हैं इसमें जो 3 धारा है, एमवी एक्ट का धारा 184 का मतलब है, 184 मतलब बताएंगे, 184, 185 और 197, इन 3 धाराओं में ट्रैफिक पुलिस को बिना वारंट के गिरफ्तार किए जाने का निर्देश उस एक्ट के हिसाब से पावर प्राप्त है, समझ रहे हैं। और इसमें उच्चतम न्यायालय में कंप्लायंस देना है कि कितने लोग गिरफ्तार हुए। अब एक है डेंजरस ड्राइविंग, 184 डेंजरस ड्राइविंग। डेंजरस ड्राइविंग मतलब जो स्पीड है उससे बहुत ज्यादा तेज गति से गाड़ी चलाना, जिससे किसी को एक्सीडेंट होने का खतरा है, किसी को घायल होने की संभावना है। हमारे यहाँ इंटरसेप्टर लगा हुआ है जिससे उसका स्पीड पता चलेगा। हर एरियाज में स्पीड के लिए बोर्ड लगा हुआ है। अगर वो डेंजरस ड्राइव करते हैं तो उनकी गाड़ी और वो व्यक्ति दोनों गिरफ्तार किए जा सकते हैं। अब ये नहीं चलेगा कि हमारे पास पैसा है तो हम गिरफ्तार आप क्यों करते हैं, इसके बावजूद भी उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, ये बहुत क्लियर है जानना। दूसरा है 185, धारा 185 जिसमें है ड्रंकन ड्राइविंग। अगर कोई शराब पी करके गाड़ी चला रहे हैं तो ट्रैफिक पुलिस अब तक फाइन करती थी, अब उनको गिरफ्तार करें, गिरफ्तार करके ट्रैफिक पुलिस को 2 घंटे के अंदर उनका मेडिकल कराना और जो एक्ट कहता है उसके अनुसार आगे वो नियमानुसार कार्रवाई करें। तो ये बहुत सबको क्लियर मैसेज देना जरूरी है। तीसरा है अनऑथोराइज ड्राइविंग। ये क्या है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, समझना बहुत ज़रूरी है आम पब्लिक कि जैसे गाड़ी आपकी है, ठीक, अब कोई चोरी कर लिया तो चोर आपके गाड़ी को लेके जा रहा है तो क्या है, अनऑथराइज। मान के चलिए कि ट्रैफिक पुलिस नहीं जान रही है कि वो चोर है, लेकिन वो गाड़ी आपकी चोरी हो चुकी है साक्षी बाजार से और लेकर के वो जा रहा है, तो अगर उस व्यक्ति को सिग्नल पे चेक किया गया और वो व्यक्ति कोई कागजात नहीं दिखाता है गाड़ी का, बोलता है घर में रखा हुआ, यही ना बोलेगा, बोलेगा गाड़ी मेरे दोस्त का है, तो उस समय ट्रैफिक पुलिस को यह अधिकार होगा कि अनऑथराइज ड्राइविंग में उस व्यक्ति को गाड़ी सहित पकड़े। अभी तक ट्रैफिक पुलिस क्या करती थी कि बोल देती थी गाड़ी रफ करके कि जाओ कागज लेके आओ, अब वो कागज लाने गया तो फिर कभी आया ही नहीं, इसलिए वो तो चोर है तो गाड़ी का कागज कैसे लेकर के आए। तो इसलिए दूसरा इसका हो सकता है अनऑथराइज कि आपके बिना ऑथोरिटी के कोई व्यक्ति आपका गाड़ी लेके चला गया, हो सकता है चोरी नहीं हुआ हो लेकिन आपके बिना परमिशन से कोई गाड़ी चला गया, तो गाड़ी मालिक को गाड़ी छोड़ाने के लिए ये कहना पड़ेगा कि नहीं ये मेरी गाड़ी है और मैंने इनको ऑथराइज किया। तो बेहतर हो कि अगर आपकी गाड़ी कोई और चला रहा है तो एक ऑथराइजेशन लेटर उसको दे दें ताकि पुलिस आपको हरास नहीं करे, ताकि ये नहीं आपको महसूस हो कि पुलिस अननेसेसरी हरास कर रहा है कि भाई ये गाड़ी का ऑथराइजेशन लेटर हम लिए, गाड़ी मालिक का नंबर यह है, इस नंबर पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं।
ना ऑथराइजेशन नंबर में मोबाइल नंबर भी होना चाहिए ताकि उनको फोन करके पूछा जा सके, वेरीफाई किया जा सके और पुलिस पर अननेसेसरी आरोप नहीं लगे। तो ये और कोई गाड़ी मालिक अपने बच्चे को गाड़ी दे रहे हैं जुवेनाइल को, और जुवेनाइल गाड़ी को चला रहा है तो उसमें बड़ा हैवी फाइन है, 25,000 रुपये का फाइन, और गाड़ी सीज हो जाएगा, जुवेनाइल पर केस हो जाएगा, गाड़ी ओनर को मिलेगा। ये समझना पड़ेगा, फाइन बहुत हैवी हो गया है, इसीलिए हमने आज ये आप सबों के माध्यम से लोगों को एजुकेट करने के लिए सोचे कि आज ये मैसेज जाए, कल के पेपर में ये सब बातें निकले ताकि लोगों को पता चले कि हमको ट्रैफिक नियम का पालन करना है अपने लिए ना। अगर नहीं पालन करेंगे तो पुलिस कार्रवाई करेगी, तो फिर आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। ये बहुत जरूरी है ये जानकारी होना कि पुलिस कार्रवाई करेगी तो हम पुलिस को गाली देना नहीं शुरू करें। आप समझें कि हम गलती किए हैं। एक्ट सब जगह नेट पे उपलब्ध है, कोई भी आदमी चाहे तो वो गूगल में जा करके नया MB एक्ट देख सकता है। MB एक्ट के धारा 202, 206 और 207 में, 202 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि गिरफ्तारी का पावर बिना वारंट को ट्रैफिक पुलिस को दिया, तो वो कोई भी प्रेस वाले भी देख सकते हैं, ये सब रिटन है। तो ये सभी लोगों के लिए है, हमने ट्रैफिक पुलिस को DSP को कहा है कि आप 3 दिन ट्रैफिक अवेयरनेस सप्ताह मना लीजिए और 3 दिन के बाद इसमें जो नए प्रावधान हैं इस पर सख्ती से अनुपालन कराना शुरू कर दिया। सबको क्लियर है? जुवेनाइल एक्ट में उन पर FIR होगा, जुवेनाइल कोर्ट में उनको बाकी जो धारा लगेगी सर वो तो लगेगी, इसमें क्या बड़ा है क्या सर? नहीं, जो बाकी धाराएं हैं वो तो लग ही जाएगी,